ध्यान से देखिए इस चेहरे को, यह है मशहूर गुंडा बिरजू। आज पुलिस के हत्थे से मशहूर गुंडा बिरजू फरार। यस। जिस गुंडे ने पूरे डिपार्टमेंट की नाक में दम कर रखा था, उसी गुंडे को आपने धराशायी कर दिया। ये बात मैं कमिश्नर साहब को खुद बताऊंगा। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस रेशम पाल सिंह आज पूरे कानपुर वासियों के सामने विभूति नारायण मिश्रा को इस एरिया का दरोगा नियुक्त करता हूँ। जी सचमुच में जब मोहल्ला की दरोगा हो गई हैं। आज ये क्या बात कर रहे हैं, भरभूति जी असली में दरोगा बन गए। इस वर्दी की ईमानदारी से रक्षा करनी है तुम्हें। Of course, baby, of course. और वो हप्पू सिंह की तरह न्योछावर मत मांगना, देखा है ना उसका क्या हाल हुआ है। यार मैं तो किससे मिला रही है मुझे यार, वो अनपढ़ गवार दो कौड़ी का दरोगा, वो बना ही दरोगा इसलिए कि उसे निछावर खानी है। लेकिन मैं इस दरोगा बनाऊं कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री। वाओ विपू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मेरे डैशिंग दबंग दरोगा। विपू आप, मैं लोगों की नजरों में नजरें डालकर ये कह सकती हूँ कि मेरा पति नल्ला नहीं है, नहीं है नल्ला, नहीं है नल्ला, नहीं है। इनफ दिस ऑफ नल्ला यार, आगे बढ़ो ना। इंस्पेक्टर है। विपू मेरा तो दिल है कि मैं तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर पूरे कानपुर में घूमूं और सबको बताऊं कि मेरा पति डैशिंग दबंग दरोगा है। एक्चुअली क्या है कि अनु तुम थक जाओगी और कानपुर बहुत बड़ा है, पूरा कानपुर घूमने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा बेबी। तो लेट्स गो फॉर अ लिटिल शॉर्टकट। तो फिर हम अपनी कॉलोनी में तो घूम सकते हैं। नॉट अ बैड आईडिया, नॉट अ बैड आईडिया। पहले लिटिल कॉफी पी ले पहले। कहाँ रह गया अप्पू सिंह? पप्पू भाई कहाँ है कॉफी यार, कम ऑन हरी अप। आगो साहब, आगो डेजी, आगो साहब। अरे दादा भाई, पप्पू तूने कॉफी लाने में देर क्यों लगा दी इतनी बे? हैं? अरे किचन में बर्तन भी तो आते भैया विभूति। शट अप, डोंट यू एवर कॉल मी भैया विभूति, कॉल मी साहेब। क्या बोलोगे? हाउ हाउ साहब, साहब साहब। दैट्स बेटर डार्लिंग। अरे हप्पू, ये कॉफी है पानी? कैसे हवलदार हो, तुम्हें कॉफी तक बनाने नहीं आती? अरे माफ करियो साहब, हमें पता ना तो कि हवलदार बनने के लाने एक अछुक्को खोनो जरूरी होतो है। अरे तू अभी देख तुझसे मैं क्या क्या कराता हूँ। कम ऑन, मूव इट, मूव इट, मूव इट। वन टू, वन टू, कम ऑन, मूव इट, रन। चलो ना कॉलोनी में घूम कर आते। व्हाई नॉट, आई शो यू ऑफ। In fact, I want to show me off. Let's go. My lady. Oops. Let's go. Of course. Oh, thank you. सेल्फी ले, सेल्फी। हाँ, आपके साथ। हाँ, एक पोज। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये इनका क्या नया नाटक है ये? तिवारी जी, जी विभू इंस्पेक्टर बन गया है। अच्छा, ये इंस्पेक्टर बन गए? भाभी जी आप भी तो बहुत भोली है, ये आपको कोई भी नई पुड़िया थमा देते और अब तुरंत रख लेती है। It's true. विभु इज द न्यू इंस्पेक्टर ऑफ कानपुर। कितना डैशिंग लग रहा है ना मेरा विभु। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम इस बात पर आपके विश्वास नहीं कर सकते, क्या कि ये तो हवलदार बनने के लायक नहीं है। इंस्पेक्टर कहां से बन गए? तिवारी जी, जी? इनफ। भाभी जी हम पूछते किस गधे ने इन्हें इंस्पेक्टर बना दिया? अनु जस्ट होल्ड दिस प्लीज। क्या भाई साहब, क्या क्या कर, अरे ये ये ये, 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 ये,
ये क्या बदतमीजी है? आपको एक पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी के साथ बदतमीजी करने के और शहर के कमिश्नर को गधा बुलाने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। देख फालतू की बकवास मत कीजिए, हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे कि आप जो है इंस्पेक्टर की नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये मेरा आई कार्ड है। तो थोड़ा दूर रखिए, अब इतनी दूर भी नहीं यार। राइट जी, मैं असली इंस्पेक्टर, आई एम द इंस्पेक्टर ऑफ दिस टाउन। अरे तिवारी भैया, अरे महाराज अब जय असली के दरोगा हैंगे और हम इनके हवलदार कम नौकर हैंगे। महाराज तुमने गलत आदमी से पंगा ले लो, अब तुम भगवान भलो कर रहो। अरे दादा बड़ो ठंडो है तेरी। चलो भैया और। अरे दादा सॉरी भगवती जी, गलती हो गई। नाम मत लो मेरा, डोंट कॉल मी बा माय नेम। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, गलती होगी, भाभी जरा समझाइए बच्चों। चलो ना बेबू छोड़ दो। अरे तुम जानती हो कि मैं एक बहुत ही उसूल पसंद ऑफिसर हूँ और मैं पुलिस ऑफिसर बना इसलिए हूँ कि ऐसे घटिया लोगों को पकड़ सकूं जो इस समाज में पीठे जहर की तरह घुल मिल गए हैं, उस समाज को गंदा कर रहे हैं। हम कहां मीठे जहर की तरह घुल मिल गए, कहां गंदा कर रहे हैं समाज को? भाभी जी समझाइए ना, पर इल्जाम लगा रहे हैं फालतू का। इल्जाम नहीं है तिवारी जी, ये हकीकत है। चलो जाने दो ना विभू, बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? अनु मैं तुम्हें कानून के मामलों में दखलंदाजी करने के और एक मुजरिम की सिफारिश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं। कम ऑन गिव मी अ हैंड। इट्स ओके, सॉरी तिवारी जी, आई कांट हेल्प यू। लेकिन भाभी जी आई एम सॉरी, अब तुम्हें कानून के पंजे से कोई नहीं बचा सकता मिस्टर तिवारी। भाभी जी ये सब क्या है, ये कि क्या नाइंसाफी है? ये नाइंसाफी नहीं है, नाइंसाफी उस वक्त हो रही थी जब आप जैसे लोग इस समाज में छुट्टे घूम रहे थे, अब इंसाफ होगा। मैं आप जैसे मुजरिमों को पकड़ पकड़ के सलाखों के पीछे डालूंगा, तभी चैन की सांस लूंगा। बेबी लेट्स गो, राइट और लेफ्ट? राइट। अरे भाभी जी, भाभी यार, अरे यार, ए भगवान, ये किस लीचड़ और भाईयात आदमी को आपने कानून की वर्दी पहना दी? अब ये कमबख्त चुन चुन कर हमसे पर्सनल दुश्मनी निकालेगा। ए भगवान छीन ले इसकी वर्दी, छीन ले, उतार दे, फाड़ दे। कम बेबी बैठ, यहाँ चाय पीते हैं यार, बैठो तो सही। Are you serious? Before, please. तुम अब क्लासी हाई क्लास दरोगा बन गए हो, यहाँ चाय पियोगे? तेरी जगह का अलग मजा है, अलग फ्लेवर है यार। क्या मजा है वो, तुम घर चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी इंग्लिश टी केटल में लेकर आती हूँ। नहीं बेबी नहीं, ये वही जगह है जहाँ पे कुछ दिन पहले एक बेरोजगार अपनी बेरोजगारी की मैली कुचली चादर ओढ़े चाय की चुस्कियां लिया करता था। ये जगह उसकी जिंदगी हुआ करती थी। आज वही नौजवान तुम्हारे सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस पर बैठा है। मेरी मैं ना बड़ा मिट्टी का आदमी हूँ, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे मैं कितनी ऊंचाइयाँ छू लूँ लेकिन मेरी जड़ें हैं ना जमीन में रहेंगी। आई एम डाउन टू अर्थ, ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड। बहुत अच्छा लगा ये ना, ये बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। So sweet. तुम ना कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हो लाइफ में, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी ना तुम जमीन से जुड़े हुए हो। थैंक यू सो मच, आई एम प्राउड ऑफ यू। इस बात पे हो जाए चाय। चलो दरोगा जी बचा लीजिए, दो लड़के हैं ना मुझे छेड़ रहे हैं। व्हाट, तुम्हारे इलाके में विभू एक मासूम सी लड़की को लड़के छेड़ रहे, ये शर्म की बात है। हाँ आज ही नहीं, वो मुझे रोज छेड़ते हैं और जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे कॉलेज तक आ जाते हैं और भद्दे भद्दे कमेंट्स भी करते हैं। वेरी बैड विभू, दिस इज नॉट फेयर। लेट मी हैंडल दिस बेबी, लेट मी हैंडल दिस, आई जस्ट काम डाउन, टेल मी, बताओ मुझे कि वो लड़के कैसे लगते हैं, ढील और कैसा है, देखने में कैसे हैं वो? एक काला सा और मोटा सा है और एक गोरा सा पतला सा है। चुपके तू जाएगी कहाँ, चुपके तू जाएगी कहाँ। दरोगा जी राम राम। वो जी नमस्ते।
भैया। चंगो मंगो, माफी मांगो। अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये वो दोनों नहीं हैं। वो तो कोई और लड़के हैं जो मुझे छेड़ते हैं। अरे कमाल की लड़की हो तुम। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब मैं इनको पेल रहा था? मैं तुमने तो कहा था कि एक काला और मोटा है और एक पतला और गोरा है। तो भैया, दुनिया में काले गोरे के हम दोनों ही है क्या? और बाकी सब लाल पीले का। तो घर के लौंडे पिट गए तो क्या हुआ? नथिंग स्पेशल, रोज ही पिटते हैं। देखो ऐसा है कि तुम कल कॉलेज जाओगी ना, हम तुम्हारे साथ एक हवलदार भेज देंगे, ठीक है? अब तुम जाओ, यू आर सेफ, गो। नहीं आया हूँ अभी, गलती हो जा रही है। तुम मतलब सीख रहा हो? गलती से सीख रहा हूँ यार। मैं चाय बराबर लौंडों का, आओ घर पे चाय पीते हैं। हाँ चलो खाइए। छोला डाले इसमें? अरे सब्जी मिलाओ ना ठीक से, सूखे सूखे चावल खिला रही हूँ मैं। लीजिए लीजिए खाइए। हदिया हमको बताइए लड्डू के भैया कि आप कौन सा क्रीम किए हैं जो भरभूति जी आपको पकड़ लिए। अरे वो क्रीम नहीं क्राइम होता पगली। सही पकड़े हैं। देखिए हमारी बात सुनिए, वो भरभूति जी से ना पंगा ना ही लीजिए, वो अब दारोगा बन गए हैं, दारोगा। अरे हमने क्या पंगा लिया, हमने कौन पंगा वंगा नहीं लिया उनसे। अरे ठहर जा तिवारी, समय हम बताएं, वो आदमी इतनी बड़ी चिरांद है, तुम ससुर न लियो पंगा, तुम कछु ना करो, लेकिन वो विभूति को बच्चा तो मैं उंगली करके रहेगो। इनकी तो छोड़ो सर, हमारी हालत देख लो, हमें क्या कर दो दरोगा से। हमसे घर के सारे काम करवा रहे हो, झाड़ू करवा रहे हो, पोछा करवा रहे हो, जूठे जूठे कप धुलवाए हमसे। और तो और जब नहाने जाते हैं तो कहते हैं पप्पू 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 बाथरूम में चलो हमारे साथ चलो। बाथरूम में भी संग ले जाते हैं? हाओ तिवारी भैया, बाथरूम में ले जाके हमसे कहते। अब बस बस बस, आगे ना ही बताइए। अच्छी, हम समझ गए। अरे नाना भाभी अंगूरी ऐसो बिल्कुल ना है। हमें बाथरूम में ले जाके कहते हुए पप्पू हमारे हाथ नहीं पहुंच रहे ससुरे ते पे, पीठ में साबुन मल दो, हद हो गई। तो ये तो बहुत ही जुलम कर रहे हैं। अरे आपको क्या बताएं, हमें ससुर गधा बना के रख दो घर में। कई दिन हो गए हमने पान तक नहीं खा हुए। लेकिन आपसे ऐसी कौन सी जाति दुश्मनी हो गई उनकी? क्या बताएं यार भैया तिवारी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जब हम दरोगा हती तो हम उन्हें ससुर कम उंगली नहीं करी बा को, बस वही की दशा बना दी। वो देखा हमसे किसी ने पैसे ही नहीं लिए, क्या रुतबा है तुम्हारा। हाँ ऐसे ही अपना तो भाई, सब सलाम ठोक रहे हैं। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो भाभी जी।
आई एम रियली सॉरी तिवारी जी, मैं तो ना विभू को कह कह कर थक गई हूँ, लेकिन विभू राजी नहीं हो रहा। hey, पप्पू, इनका टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे? हाँ नाना साहब, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम पूरा काम करके आ रहे हैं। झाड़ू कर दी, पोछा कर दो, आपके कपड़ा सब प्रेस कर दिए, आपको जूठो जूठो वालों कब धो दो, हमने सब कर दो। थक 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 गए थे तो सोची दो मिनट तक बैठ ले, सांस ले ले। हमको बताइए भरभूति जी, आप लड्डू के भैया को काहे अरेस्ट किए हैं? भाभी जी, इट्स नॉट अरेस्ट, इट्स अरेस्ट। असही पकड़े हैं, काहे पकड़े हैं लड्डू के भैया को? आपके लड्डू के भैया अपराधी हैं, ही इज अ क्रिमिनल। का अपराध किए बताइए हमको, बताइए। आप अंगूरी जी, आप ना बेकार में ट्राई कर रहे हैं, आप बोलिए ही मत। पता नहीं अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो कहीं आपको ही ना अरेस्ट कर दें। हाँ तो कर लीजिए ना, काहे पकड़े हैं उनको, हमारे हाथ में हथकड़ी बना दीजिए। पप्पू अरे अंदर लेके जाओ। प्लीज काम डाउन। अच्छा बेबी गो इनसाइड। अरे वो छोड़ दो ना तिवारी जी को, इट्स ओके, हो गया। हथकड़ी पहनाओ, तुम्हें हथकड़ी लगाता हूं। भाभी जी, छोड़ दिए थैंकू थैंकू। भाभी जी, आपके कहने पे छोड़ दिया है मैंने। हाँ थैंकू भरभूति जी, हम बहुत आभारी हैं आपके। अभी एक सेल्फी हो जाए जरा बेबी के साथ, इधर। हाँ इधर फोटो, ये इधर इधर, ये ऐसे, ये वही 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 वाला। अच्छा थैंक यू भाभी जी। थैंक यू, यू वेलकम। कहाँ रह गए थे मेरे डैशिंग दबंग दरोगा? बस ड्यूटी कर रहा था मेरी जान। अच्छा तो मेरी ड्यूटी कब करोगे? सालों से तुम्हारी ड्यूटी तो कर रहा था यार। नहीं वो तो तुम नल्ले थे, बेरोजगार थे, मजबूरी में मेरी ड्यूटी कर रहे थे। मेरी तो हमेशा से ही इच्छा थी कि एक दबंग डैशिंग दरोगा मेरी ड्यूटी करे। देखो भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, जो कोई ड्यूटी करनी होगी कल करेंगे, ओके? अरे देखो वर्दी मत उतारो ना, मेरी आज बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दबंग दरोगा के साथ रोमांस करूँ। वर्दी के बगैर भी मैं दरोगा ही रहूँगा बाय द वे। नहीं देखो वर्दी नहीं रहेगी ना तो वो फील नहीं आएगी। हाँ पहने रहो ना वर्दी। हंसाएंगे रुलाएंगे मार ही डालेंगे, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। एक मिनट डार्लिंग, हमें ये रोमांस डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा अभी इसी वक्त, बिकॉज मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। कहीं जाना है? व्हाई? भाई यार एक खबर मिली है कि बहुत ही बड़ा खेप आया ड्रग्स का शहर में, तो मुझे पकड़ने जाना है। कहाँ से खबर मिली है? सपने में? ना कोई मैसेज आया ना कोई फोन आया। शाम को मैसेज आया था यार, मैं तुम्हारे इस रोमांस के चक्कर में भूल गया था। विभू मत जाओ ना, देखो कितनी रात हो गई है, बहुत खतरा है। डार्लिंग विभूति नारायण मिश्रा को खतरों से खेलने की आदत है। आई वॉन्ट टू लिव डेंजरसली, माई ड्यूटी इज कॉलिंग मी, बट बिफोर दैट नेचर इज कॉलिंग मी। मम्मी, मेरे जाबाज दरोगा को हर तरफ से प्रेशर है। अभी जी कितनी असील लगती है सोती हुई।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्लिम ट्रिम गाय चारा खा के सोई है। एक बैल के बगल में बेटा तुझ पे मैं इतनी दफाएं लगाऊंगा कि तू भाभी जी की जिंदगी से दफा हो जाएगा। You don't know me. तिवारी जी, इस खाकसार को दारोगा विभूति नारायण मिश्रा कहते हैं। विभूति जी, आप इतनी रात को हमारे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? ताड़ने आए। मेरा मतलब भाभी जी क्या है कि हमें खुफिया एजेंसी से खबर मिली है कि इस घर में से ड्रग सप्लाई होती है। क्या बक रहे हैं आप? कौन है जो इस घर में ड्रग सप्लाई करेगा? आप करेंगे और कौन करेगा? आप ड्रग पेडलर हैं।